काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का ये विवाद है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास तो 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग अलग हिंदू समूहों की ओर से पहले मथुरा की अदालतों में 10 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिनके बारे में उनका दावा है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया। इसके साथ ही बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। मनीष यादव का कहना है कि ईदगाह में जिस स्थान पर नमाज अदा की जाती है वहीं भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है। प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य मिटा रहे हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और CRPF कमांडेंट सुरक्षा हेतु निर्देशित किया जाए ताकि साक्ष्य सुरक्षित रहे। विवादित स्थल पर CCTV कैमरे भी लगाए जाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।